पॉप कल्चर की दुनिया का पार्ट धीरे धीरे हेंटाई भी एनिमेस भी बनता हुआ जा रहा है अपनी डाइवर्सिटी मास प्रोडक्शन और सोशल मीडिया के हाइप के चलते। और लिटरली हर एक साल कोई ना कोई एनिमे आकर शो स्टील कर देता है। कुछ ऐसे ही 2020 के लेट में एनिमे की दुनिया को डोमिनेट किया था एओटी ने या फिर अटैक ऑन टाइटन ने। बात अगर पॉपुलैरिटी की उठी चुकी है तो सीजन 4 के एयर होने के टाइम पर तो 8.5 की आईएमडीबी रेटिंग को हर एक एपिसोड इजीली क्रॉस कर रहा था। एंड इवन रिकॉर्ड ब्रेकिंग 6 एपिसोड ने तो 9.9 की आईएमडीबी रेटिंग को भी ग्राफ किया है। बट नो डाउट पॉपुलैरिटी अगर हद से ज्यादा होगी तो हेटर्स की तादाद भी बढ़ने लगेगी, जो कि सीधा ही किसी भी कॉन्टेंट को लेकर ओवररेटेड की कैटेगरी में प्लेस कर देता है। कुछ ऐसा ही हाल अटैक ऑन टाइटन का फिलहाल अभी हो रहा है, जहाँ पर आज हम इस वीडियो में कम्प्लीट तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या अटैक ऑन टाइटन सच में ओवररेटेड है। बात अगर पॉपुलैरिटी की कर ले तो सबसे पहले इस एनिमे ने उस स्टीरियोटाइप को तोड़ा जिसके लिए एनिमेस को हेट मिल रहा है, क्योंकि स्टोरी एकदम ही आर-रेटेड और पर्टिकुलरली एडल्ट ओरिएंटेड है। और जहां बाकी सब मांगा आर्टिस्ट जितना भी पॉसिबल हो ब्लड सेड और किलिंग को अवॉइड करने की ट्राई करते हैं, तो यहां पर इस एनिमे ने इसका उल्टा ही किया। और अगर बाकी सभी एनिमेस से हम इसको कंपेयर भी करें तो उन सभी एनिमेस को देखने के टाइम पर आप अपने दिमाग को आराम से साइड में रख सकते हो, क्योंकि स्टोरी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी स्टोरी लाइन को मेन कैरेक्टर के ऊपर ही फोकस करके लिखा जाता है, जो कि काइंड ऑफ बाकी एनिमेस को टीनेजर फैंटेसी कंटेंट के वाइब देती है, पर ये एनिमे उनसे काफी ज्यादा स्टैंड आउट करती है। बट आप जब एओटी को कंसीडर करो, यू कैन नेवर बी श्योर कि इसकी स्टोरी कौन से डायरेक्शन में मोड़ ले सकती है, जो कि हर एक एपिसोड को काफी ज्यादा थ्रिलर और अनएक्सपेक्टेड गूज़बम्प्स से भर देती है, जो कि काफी ज्यादा इसको यूनिक वे में स्टैंड आउट करता है। और जो एओटी को मेजर स्टैंड आउटिंग कंटेंट बनाता है बाकी सभी एनिमेस को कंपेयर करे तो वो है इसकी परफेक्टली बैलेंस्ड एपिसोड विद लेसर फिलर्स। खैर ये तो हमने लंबा चौड़ा तारीफों का पुल बांध दिया अटैक ऑन टाइटन के ऊपर, बट ओवररेटिंग के टॉपिक को वापस से अगर हम एक्टिवेट करें तो एनिमे ओवररेटेड तो नहीं है, बट जरूर से यूनिक वे में अपने कंटेंट को ऑफर करती है। और डेफिनेटली नॉर्मल ओटाकू के लिए ये कंटेंट एनिमे के कल्चर से कोसों दूर लगता है। एंड जो भी हेट या फिर नेगेटिव रिव्यूज आप इंटरनेट पे फाइंड आउट करते हैं वो या तो नॉन एनिमे कंटेंट कंज्यूमर से होते हैं, जो कि यूजुअली एनिमे को कार्टून बोल के इंटरनेट पे कूल बनने की कोशिश करते हैं, नहीं तो एनिमे लवर्स के साइड पर से भी हमें इसके ऊपर हेट देखने मिलती है, जो व्यूअर्स नॉर्मली एनिमे को सोनेन टाइप के एनिमेस को देखकर ये कंटेंट एंजॉय करते हैं। और वैसे भी एक हार्श ट्रूथ के बारे में बताऊं तो इस एनिमे को देखने के लिए आपको काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके टारगेटेड ऑडियंस मेजरली एडल्ट्स के लिए होती है और वो भी दिमाग वाले लॉन्डो के लिए। तो तभी काफी लोग इस वाले एनिमे को समझ नहीं पाते हैं, और जब भी स्क्रीन पर इंटरनल पॉलिटिक्स के अफेयर्स को दिखाया जाता है वो उनको स्किप कर देते हैं मेजरली एक्शन सीन पर ही फोकस करने के लिए। तो यही नॉट अंडरस्टैंडिंग वाले फैक्टर और वो इंटरनेट के कूल लॉन्डो के वजह से काफी बार एओटी को ओवररेटेड वाला थप्पा लग चुका है। और पर्सनली मैं बताऊं तो हाँ, काफी बार स्टोरी बोर तो करता है, और अगर आप बिंज वॉच ना करो तो पास्ट के एपिसोड को रिकैप करना भी पड़ जाता है, वरना आपको करंट की स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगी अगर आप इन स्टोरी लाइन के बीच में काफी बड़ा गैप दे दो तो। और वैसे भी किसी भी पॉप कल्चर या फिर मूवीज को हम इसलिए ही फॉलो करते हैं ताकि हमारा एंटरटेनमेंट हो सके, ना कि दिमाग लगा के एपिसोड को ब्रेक डाउन करना पड़े। या आई नो कि ओपिनियन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट जो है यही है। तो फाइनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वही सभी हाईली एनिमेटेड फाइट सीन को और हीरोज की सक्सेस जर्नी को देख देख कर पक चुके हो तो एक आर-रेटेड हिट को लेने के लिए जरूर से अटैक ऑन टाइटन पे अटैक जरूर से ही करना। एंड बाय द वे ये कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं है, बट मोर लाइकली बीइंग अ एओटी फैन ओवररेटेड टैग को डिफेंड करने की एक प्यारी सी कोशिश है। खैर आप अगर एओटी ऑलरेडी देख चुके हो तो क्या आपको भी ये ओवररेटेड फील होती है, और अगर अभी तक नहीं देखा तो एओटी फैन बुद्ध का हिस्सा कभी बनने जा रहे हो? कमेंट सेक्शन में जरूर से आप अपने थॉट्स को ड्रॉप कर देना। और अगर एओटी आपने देखी है तो इसमें से आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है, इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से ही बताना। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग थी तो फेसबुक के जमाने के लाइक वाले लोगो को आप बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में देख पाओगे, जिसको की आर-रेटेड अंदाज से मत ही दबाना, PG-13 के अंदाज से जरूर से ही दबा देना। चलो यारो मिलते हैं किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एंड फाइनली हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ईयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।